आज मैं आपको कुछ दिखाना नहीं चाहती हूँ, कुछ सुनाना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हेलो दी, आप सही बोल रही हो। मेरे कलर कॉम्बिनेशन में भी बहुत फर्क पड़ा है और मेरे वेट में भी बहुत फर्क पड़ा है। मुझे लोग भी सब बोलते हैं कि आपका वेट बहुत कम हो चुका है, तो मैं उनको यही कहती हूँ। हाँ, मुझे भी लगता है मेरे काफी सूट हैं जो मुझे बहुत टाइट हुआ करते थे, वो मुझे अब इतने ढीले हैं कि मुझे उन्हें टाइट करवाना पड़ रहा है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस वेट को कम देखकर। थैंक यू सो मच गुंजन दीदी, ये सब आप ही का ही गाइडिंग रही और अच्छा मुझे रिजल्ट देने के लिए। आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मैं बताती हूँ आपको इनके बारे में, जिनको 4 महीने हो चुके हैं और ऐसे रिजल्ट लेने के लिए आपको पता क्या चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है पहले तो आपका माइंडसेट, दूसरा आपकी डेडिकेशन, इसके साथ साथ आपको कंसिस्ट रहना होता है, इसके साथ साथ आपको अपने मेंटर पर ट्रस्ट रखना होता है कि जो आपको गाइड कर रहा है वो बिल्कुल सही है। यही हुआ है इनके साथ, जिन्होंने 96 से स्टार्ट किया था, अब आई थिंक ये 85 पर आ चुके हैं और बहुत अच्छा इनका इंच लॉस हुआ है, जिसको देखकर ये बहुत खुश हैं। कपड़े आ चुके हैं पुराने, बॉडी में पेन रहता था उसमें इंप्रूवमेंट है, एनर्जी लेवल बढ़ चुके हैं। और क्या चाहिए होता है? यही सब कुछ चाहिए होता है। वेट पे ध्यान नहीं देना होता है, इंचेस पे ज़्यादा फोकस करना होता है, ताकि आपके कपड़े जो पड़े पड़े सड़ रहे हैं ना अलमारी में, उनको पहन के हवा लग सके। लगवानी है हवा कपड़ों को, यू कैन मैसेज मी।